फर्ज कीजिए एक दिन आप खाना खाने बैठे हो और आपकी थाली में दाल पकोड़े नमकीन मीठा सब कुछ हो, लेकिन रस मलाई में क्या हो, मीठा बिल्कुल भी ना हो और दाल में बिल्कुल ही नमक कम हो और खाना बिल्कुल बेस्वाद लगे, फिर आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे कि आपको हॉटस्टार पे अवेलेबल एक फिल्म देखकर आएगी जिसका नाम है सड़क टू। तो वेलकम इन योर चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन और लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ सड़क टू। फिल्म की शुरुआत होती है आलिया भट्ट के एक किरदार से, जहां वो आकर अचानक से पागलों जैसे खिसियाती हुई एक्टिंग करती हुई नजर आ रही हैं, और उसके बाद वो इतनी क्षमता भी रखती हैं, यकीन मानिए दोस्तों कि आपको भी पागल बना सकती हैं। दूसरी तरफ फिल्म का एक बेहद ही अहम किरदार जिसका नाम है रवि किशोर और जिसको प्ले किया है संजय दत्त ने, वो आंसू बहा रहे हैं, आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूजा भट्ट उनकी प्रेमिका उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, यानी कि वो स्वर सुधार गई है। यकीन मानिए वो इतना आंसू बहाते हैं पूरी फिल्म में, लेकिन एक बार भी हमें उनसे हमदर्दी ही नहीं हो पाती। आलिया भट्ट जो आर्या का किरदार प्ले कर रही हैं, वो और कैलाश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं संजय दत्त यानी कि रवि किशोर। ये दोनों के बीच में अचानक ही कुछ सीन्स के बाद ही फादर और डॉटर जैसी बॉन्डिंग क्रिएट की जाती है, लेकिन यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि उसका बेस तो कुछ भी नहीं था, वो बॉन्डिंग आपकी समझ से बिल्कुल परे रहेगी। कैलाश जाने के रास्ते में ही रवि किशोर और आर्या के साथ एंट्री लेते हैं विशाल यानी कि आदित्य रॉय कपूर। ऐसा बताया जाता है कि दोनों में बहुत ही प्यार है, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लव स्टोरी भी बिल्कुल बेसलेस लगेगी। आपको लगेगा कि ये लव नहीं बल्कि एक छोटा सा सीजनल लव है। एक फेक गुरु के खिलाफ मोर्चा लेकर निकलने वाली आर्या और उसका साथ देने वाले विशाल और रवि किशोर क्या उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां पर उनकी मंजिल है, जहां पर सब कुछ सही हो जाएगा। फिल्म का मेन कैरेक्टर है एक विलेन जिसको निभाया है मकरंद देशपांडे ने, और वो भगवान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक फेक गुरु है, लेकिन ये फेक गुरु जैसी फीलिंग कम, एक अजीब सा कैरिकेचर मतलब कार्टून टाइप फीलिंग ज्यादा देता है। आपको समझ ही नहीं आता कि ये एक दुश्मन है, ये क्या है। ये बहुत सारी चीजें फिल्म में ऐसी हो रही हैं जो कि आपकी समझ से बहुत परे हो जाएंगी। अब बस देखना ये होता है फिल्म में कि क्या रवि किशोर और आर्या और विशाल क्या वो पर्दाफाश कर पाते हैं जो ताना बाना बुना गया है षड्यंत्र का उनके चारों ओर। फिल्म में आपको गुलशन ग्रोवर भी नजर आ रहे हैं जो एक अजीब से कैरेक्टर में है, जिस कैरेक्टर की कोई डिमांड कोई जरूरत ही समझ में नहीं आती है। एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक उल्लू जो कि कमाल की एक्टिंग कर गया है इन सारे धुरंधरों के बीच में। किसी भी फिल्म की कहानी उसकी जान होती है, सब कुछ उसके चारों ओर ही घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन बिलीव मी दोस्तों इस फिल्म में कोई कहानी नहीं है, और ये इस फिल्म की सबसे घटिया बात यही है। इस फिल्म में आपको एक बेसलेस कहानी, बेसलेस ड्रामा, बेसलेस स्टोरी और साथ में बेसलेस एक्शन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। 2 घंटे की यह फिल्म वैसे तो आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे भी कुछ नहीं देने वाली, बहुत सारे चीजों पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है जो कि आपकी समझ से परे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 2 घंटे से देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बचता है दोस्तों, और वो है कुंभकर्ण। जी हाँ, वो उल्लू, उसकी एक्टिंग आपको जो कि बहुत ही कम है बहुत अच्छी लगेगी, बाकी सारे कैरेक्टर्स और सारी चीजें मिलके आपको बोर बोर और सिर्फ बोर बनाते हैं। वैसे भट्ट कैंप के पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर था क्योंकि सड़क जैसी कमाल की फिल्म बनाने के बाद उनके पास एक बेस था कि वो सड़क टू को एक और बेहतर फिल्म बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है बल्कि उन्होंने एक घटिया और कलंकित फिल्म बनाने का एक रिकॉर्ड भी बनाया है। अगर रेटिंग की बात करूं तो फिल्म को मिलेगा सिर्फ 1 स्टार कुंभकर्ण के लिए। तो अगर आपकी जिंदगी में 2 घंटे का महत्व थोड़ा ज्यादा है या आप फील करते हैं कि उस 2 घंटे में आप कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं तो इस फिल्म को बिल्कुल मत देखिएगा, अदरवाइज आप इसे देख सकते हैं, हॉटस्टार पर अवेलेबल है। हमारा रिव्यू कैसा लगा जरूर से बताइएगा। यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में तो हमें लिख दीजिए कॉमेंट्स में। आपको फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन। थैंक यू।